Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Good morning students, I am back, your chemistry teacher. Today I am going to start your next type of chemical reaction, decomposition reaction. Last class mein humne padha tha combination reaction, is class mein hum padhenge decomposition reaction. Usi tarah jaise humne first type of chemical reaction padhi thi ek short formula se, waise hi hum samjhenge decomposition reaction ko. Reactant side एक ही कंपाउंड होगा, सब्सटेंस जो होगा आपका रिएक्टेंट साइड एक ही होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा टू और मोर प्रोडक्ट्स में. ठीक है, दोस केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू स्मॉलर और सिंपलर सब्सटेंस और यूनिट आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा आपके टू और मोर स्मॉलर सब्सटेंस में, उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट समझिए, कि एक वहाँ जो आपने पढ़ा था वहाँ रिएक्टिंग साइड टू और मोर सब्सटेंस ले सकते थे, इधर हम एक सिंपल सब्सटेंस लेंगे जो ब्रेक होगा टू और मोर प्रोडक्ट्स में, टू और मोर सब्सटेंस में. ठीक है, नेक्स्ट आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो थ्री टाइप्स की होती है. फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस. ये थ्री टाइप्स की आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हम अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स थर्मल कुछ हीट के साथ रिएक्शन हो रही होगी. दोस केमिकल रिएक्शन इन विच डिकम्पोज कैरी आउट बाय हीटिंग, कोई भी एक आपका सब्सटेंस होगा उसको आप हीट करेंगे तो वो सिमिलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा. जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो वो ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, दोज केमिकल दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर हम एक बीकर ले, उसमें टू इलेक्ट्रोड्स लगा दें, टू इलेक्ट्रोड लगाने के बाद एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड लगा दें, उसमें हम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड डाल दें, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट हो जब हम सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तब आपका एक साइड आपके सोडियम और नेक्स्ट साइड आपका क्लोरीन आएगा. जैसे कि हमने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, when electrolysis of molten NaCl is done, we get sodium metal. Sodium metal हमें cathode की तरफ मिलेगा and chlorine gas on anode. ये आपका electrolytic decomposition होगा. Next and last आपका decomposition reaction है वो photo decomposition reaction. Photo decomposition reaction जो होती है वो in the presence of sunlight में आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जिसमें आपका AgBr को आप अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपका 2Ag plus Br2 फॉर्म होगा. नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे. थैंक यू. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.